अरे क्या हो रहा है, सबके सब सोए पड़े हो रहे यार। मेरे को 7 बजे बुला लिया और तुम्हारी अभी पोटी नहीं उतरी है। अरे मेरी थोड़ी हितेश जी की, हितेश जी तो आ गए यार फ्रेश होकर के, तू अंदर घुस रहा है। ये देखो ये घुसे हुए अंदर हितेश जी। अरे कह रहे ओ, आ गई आवाज, आ गई अंदर से आवाज आ गई। यार तुम्हारा क्या सीन है भाई? मैं रेडी में अब वो कहाँ घुस रहा है, यार मेरे को 7 बजे तुमने क्यों बुलाया एक बार बता। मैं सुबह 4 बजे से जग रहा हूँ कि मेरे को चलना है। रात को कीर्तन में से आया, 2:30 बजे मैं सोया, 4 बजे मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा चलो बच्चों ने बुलाया, अब जाओ हम रेडी जाएंगे तब बुला लेंगे आपको। अच्छा अब मैं वापस जाऊँ, वापस आऊँ। Hi guys, good morning, welcome back to our new vlog। हम लोग एकदम तैयार है हमारी ट्रिप के लिए। नादोली हम 3 जने, सिर्फ मैं, मीकू और यशी, बाकी सब तो अभी सूख ले, ब्रश ही नहीं हो रहे बाकी सब सूख ले। ये देखो मेरा तो पूरा लुक है रेडी। ये मैंने अपनी पहली चप्पल और वही चाय रेडी है क्या? ओ सर्दी है, गर्म कपड़े पहन ले। अरे कहीं सर्दी नहीं है, गर्मी। अरे है। मैं आया हूँ अभी, ठंड है। अरे नहीं है ठंड, यहाँ पे ठंड है, वहाँ गर्मी होगी। मैं यहाँ निकलूंगा नहीं बाहर। तू ले, तेरे को मैं बंद कर देता हूँ, मत निकलना वहाँ बाहर। इनका तो कुछ अलग ही चलता है। चलो गाइस, चलो चलो लेट्स गो। तेरा बैग तो रह गया। मेरा वो टीपू के साथ रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आ जाएगा। देखा I20 की डिग्गी काम की है कि नहीं है? अरे बहुत काम की है, और यार बहुत जगह दोनों नहीं बैठे। क्या बात करते हो तुम? ये तो यशी मेरे लिए ले आई। तीन जितने थे ना सारे उठा लाई, अगर अब मेरे से किसी ने मांगा तो मैं उसको मारूंगी। अंकल सेट कर दो यार गाड़ी में फटाफट। अभी लो। अरे यार नहीं आएगा ये तो। दो तो नहीं आएंगे, एक आगे रखना पड़ेगा। एक छोटे छोटे नहीं आएंगे, चलते लेट हो रहे अपन। चलो चलो चलो, ये देखो अंकल बढ़िया रगड़े मारते चलते हैं गाड़ी में। क्या है इसकी परमानेंट निशानी है ये। मैं चलाऊं गाड़ी तो चलो। अरे अंगूठी गिर गई आपकी। चलो लेट्स गो गाइस। दोस्तों हम लोग एयरपोर्ट पे लॉग इन हो चुके हैं। गाइस किसी की चेहरे पे मुझे नहीं लग रहा कि सर तुम 2 घंटे सोए हो या 1 घंटा सोए हो। खुशी खुशी एक्साइटमेंट मजे आएंगे, सब चीजें आते वक्त पता चलती है, आएंगे तब पता चलेगा। गाइस थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, अब क्रूज पे तो जा रहे हैं। मैंने सनग्लासेस तो लिए नहीं थे, तो करंटली जस्ट ये एक सनग्लासेस लिए हैं। कमेंट करके बता देना आप लोग कि कैसे लग रहे हैं, ठीक है? यशी वगैरह तो ऊपर चले गए सबके सब, मैं और टीपू आ गए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। फेस का ये हटा दिया ताकि मैं पहन के चला जाऊँ। फोन मिल नहीं रहा, पता क्या बोल रहा हूँ, प्लेन रुक रहा हूँ, उनके रह गया बाहर। फोन को दिए क्या हुआ? नहीं मिल रहा भाई, सही में खोदिए, मजाक कर रहे हो? वो तो ठीक है, तू बैठ जा पर फोन। एवरीबॉडी इज डिस्टर्बिंग मी, प्लीज स्टॉप हिम। ओह माय गॉड, चांदी की चेन अपनी भी खोएगी। अरे फोन कहाँ है? फोन पड़ी मेरे पास नंबर नहीं। अरे यार नहीं है सब खैर। अरे मजाक कर रहा है गाइस, अरे मम्मी का सब लेवेंगे आंटी बना रखी इसने। गाइस फोन दे दो यार इसका। कितना मुस्कुरा के बोल रही है, फोन दे दो भाई, फोन दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो यार। पहुंच गया फोन, फोन देना। अरे बोलते बोलते ये नहीं दूसरा। सांस गले में टकी थी भगवान कसम। सबसे सबसे इजी है, मेरे पे नाम लगा दो जो भी। मैं तो सांस गले में टकी, इसका पता नहीं क्या क्या अटकाऊंगा कहाँ कहाँ पे। मैंने कराई थी भाई, तू मेरे पे नाम लगा यहाँ से। गाइस मस्ती इज ऑन, मस्ती इज ऑन। गाइस ये मस्ती नहीं, प्रैंक इज ऑन हो गया, अब सब पे प्रैंक होगा, देखना प्रैंक करवा रहे हैं। गाइस आईफोन खोने का प्रैंक हो गया मेरा, ये ना चल रहा है। सब सोते हैं गाइस, गुड नाइट, सीधे मुंबई में मिलते हैं। गाइस अपने बैग सबसे पहले आ गया, तो प्रायोरिटी पे मजा आ गया, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, नहीं दुख रहे वो पैसे तो। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई। गाइस यहां से लोकेशन अपनी 1 घंटा दूर है। अब एक और आ रहा है कोई? ये ना ये देखो सबके आ गए। हमें पुलिस कंप्लेन करके आप बता रहे हो, पुलिस वाले के पास जा रहा हूं। गाइस मेरा बैग ले गए। अरे आ जाइए। हम लोग आ तो चुके हैं, लेकिन उधर क्या धूप हो रही है, हम लोग पेड़ की छाया में खड़े हैं। हम देख रहे हैं सब चले जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग जाएंगे, क्योंकि धूप में खड़े होने की मत नहीं किसी भी। पेड़ की छाओं में भी ऐसा लग रहा है कि जयपुर में ना, जयपुर में इससे कम धूप होती है यहाँ पे।
हमारे थोड़ा सा वैसा टेम्परेचर चेंज होने वाला हो गया एकदम ही, एकदम गर्मी है यहाँ पर। जयपुर में दो दिन से सर्दी हो गई थी, अब यहाँ बहुत गर्मी है। जो इतने जी सोच के आए थे वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। पता क्या सोच के आया था अभी, बोले ना जैसे वहाँ खड़े होंगे ना फॉरेनर्स होंगे खूब सारे, गाइस अब पता चला कि सब लोगों के पास पैसा है क्रूज में जाने के लिए, सबके पास है। तुम भी आ सकते हो, बस बैग पैक कर लो और मुंबई तक आ जाओ जुगाड़ लगा के। देखते हैं अभी तो अंदर चलते हैं फिर आपको बताते हैं। अंदर सबसे पहले हमारा लंच है, अभी हम लोग कर रहे हैं चेक इन, जैसे एयरपोर्ट पे होता है वैसे सेम यहाँ पर हो रहा है। और बस एक फोटो एक्स्ट्रा खींच जाती है आपकी यहाँ पे, जिसको आप खरीद सकते हो बाद में। अभी अलग अलग काउंटर्स पे जाना है और चेक इन करते हैं, फिर अंदर पहुंच के सीधा मिलते हैं, हम लोग एक बार समझ लें सारी चीजें फिर आपको बताएंगे। हाँ जी हाँ जी, देखो पहुंच चुके हैं गाइस, पहुंच चुके हैं वेलकम के आगे पहुंच चुके हैं। अब इसके अंदर क्या होगा नहीं पता। ये हमारे नेम का कार्ड मिल गया हम सबको, यस इसी से शॉपिंग होती है, इसी पे इसको रिचार्ज करना होता है, इसी से सारे पेमेंट्स होते हैं। क्या बात कर रहा है। तो गाइस हमारे पीछे है हमारा, पानी में क्या, हाँ पानी के अंदर है, बड़ा लग रहा है मुझे, बहुत बड़ा है। और तो बड़ा है। भाई घूमेंगे इसमें हर, मतलब पता नहीं कितने फ्लोर नीचे तक है, फ्लोर है कैसे तक है, इमरजेंसी बोर्ड्स होती है जो नीचे प्लीज रास्ता ब्लॉक में। चलो चलो अंदर चलते, एनर्जी ड्रिंक जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत, अभी अच्छा लग रहा है। टीपू एक और, एक और, एक और दो दो और, ये लेमन टेस्ट कराओ। गाइस इतनी दूर से आए हम लोग, इतनी दूर से, वहां स्मॉल लिफ्ट है, वहां पर ऊपर नीचे जाने के फ्लोर्स है, इधर भी देखते हैं क्या है, आफ्टर एलिवेटर एंड स्टेयर कुछ और है, ठीक है वहां से यहाँ पर हमारा। अरे तो सिस्टम ही नहीं चल रहा, बहुत सारी चीजें, ये रहा मैप लगा हुआ, ये भी नंबरों में लगा हुआ है। 11 फ्लोर की हाँ। अच्छा हमारे रूम दिखाते हैं, सारे सेम रूम है, एकदम सेम रूम है। इसके आगे वाला यशी का है, उसके आगे वाला टी इसका टीपू का है। अभी मेरा और रितेश जी वाला रूम दिखाते हैं आपको, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये अलग अलग दो बेड्स मिलेंगे आपको, ठीक है, इसके साथ में दो बेड और मिलेंगे, तुम चार जन एक साथ सोना चाहो तो सो सकते हो, अनफोल्ड कर सकते हैं इसको अपन खुद। अरे कैसे होता है पता नहीं अपने को, अरे नहीं उतार दिया पता चले। यहाँ से आपको मिलता है बाहर के समुद्र का सी व्यू, तो नहीं जाएंगे भाई, भयंकर ही बड़ा ही, तो सुनो आवाज आ रही है। यहाँ से अपना सी व्यू एंजॉय करते चलो भाई, बैंक कर रही है तो बहुत, कितने सारे शिप्स सारी जगह, ये सारे काम वाले हैं लेकिन अपने वाला मस्ती वाला है। गाइस ये सी पूरा दो दिन तो कम से कम समझने में लगेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है। अच्छा हमें रूम टूर देता ना, लंच के लिए पूछ रहे, लंच के लिए ठीक है। अच्छा गाइस यहाँ पर अपना बैठ के सेटिंग एरिया, यहाँ पर ड्रायर वगैरह भी, फोन कॉल कर लो और ये अपना बैठ के रेडी हो जाओ। यहाँ पर एक टीवी है, टीवी देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए नहीं है। वॉशरूम देखो क्या इतना छोटा है और इतना स्टाइलिश तरीके का वॉशरूम आपने देखा नहीं होगा। इधर घुसो, टीपू को बहुत दिक्कत होने वाली है, नहीं होगी मेरे को दिक्कत। ये अपना ब्रश वगैरह कर लो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अपन ब्रश वगैरह लेकर आए, सही चीज करी अपन लोगों ने। इधर साइड में नहाने का सिस्टम, इधर नहाने का सिस्टम है, ये तो बहुत छोटा है भाई, बोलो ऐसा टिपू नहा रहा होगा ना, देख ऐसे पर्दे में उसको पेट भर रहा होगा। इधर अच्छी चीज है, ऐसा वेस्ट हो गया, जेट स्प्रे है इधर ऑलरेडी, जेट स्प्रे लगा दिया अपने, तूने देखा नहीं भाई, एक वीडियो में बताया था कि नहीं जेट स्प्रे यार, मैं तो इसलिए सबसे मेन चीज होती है। चलो कोई बात नहीं, है तो है, तो अब खाना खाने चलते हैं, खाना खाने चल रहे हैं। लाइट किसी बंद हो गई इधर की, गाइस हमारा लंच टाइम और सब अपने हिसाब से सब कुछ, राजमा चावल भी थे, मैं तो दाल चावल लिया है बस, राजमा है यहाँ पे। खाना कैसा लगा मस्त भाई, मजा आया, कितनी सारी वैरायटी है। और यार वैरायटी को तेजी दो, डेजर्ट प्लेट ले आए तेजी, ये दोनों मेरी पर डेजर्ट लेकर आए, डेजर्ट बहुत सारे, ये रहा ना, चलिए आए क्या दोस्तों, अलार्म बज रहा है भाई, कोई सो भी रहा होगा उसको जगा देगा। गाइस ये उसके लिए बज रहा है, सेफ्टी, हाँ चलो गाइस चलते हैं, चलो गाइस चलो पनिशमेंट के लिए रेडी। तो दोस्तों हम लोग को इतनी तेज नींद आ रही थी, हम लोग यहाँ अंदर चेक इन वेक इन करा, लंच करा है, उसके बाद तो ऐसे घोड़े बेच के सोए हैं सारे के सारे, कब शिप चालू हुआ कब पार्टी चालू हुई कुछ अता पता नहीं, मस्त सो रहे थे भयंकर तरीके, सबने तीन तीन चार चार घंटे वो नींद ले ली।
अब अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ है कहाँ नहीं है, और हमें पता भी नहीं चला कि शिप चल गई, शिप चलने लग गई, और ऐसे कि मोशन सिकनेस हो रही हो या कुछ, और कुछ भी पता नहीं चला। आराम से मस्त सोए, फुल नींद पूरी कर ली, अब करेंगे पार्टी। ये देखो हमने बैट जोड़ लिया हम दोनों ने, मैंने और रितेश जी ने, अब यहाँ पर पत्ते चलेंगे, ठीक है, उसके बाद घूमने चलेंगे बाहर, डांस करेंगे, डांस पार्टी भी होगी, डांस पार्टी करने चलेंगे, फिर एक बार थोड़ा सा घूमेंगे भी, क्या क्या है यहाँ पर धीरे धीरे बताएंगे यार। दोस्तों हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, कैसीनो सब कुछ, ये रेस्टोरेंट्स भी देखने, और देख फूड वाला, और अनलिमिटेड है फूड, ड्रिंक्स सब अनलिमिटेड, ड्रिंक्स शेर पता चल गया होगा गाइस आपको एक बार वापस वंस मोर, पता चल गया होगा क्या अनलिमिटेड का मतलब, अनलिमिटेड फूड तो मैं आराम से एक बार गाइस यहां पर मिलने वाले अनलिमिटेड मस्ती आप लोग को, बाय द उदमपुरा बैंकर। दीदी कहां गई ये बता दो, अरे पता दो पत्ते ले गए बैंकर वाले, बोले कैंसिल कर दी वो, बोले डॉलर वाले पत्ते, डॉलर वाले 100 डॉलर का एक पत्ता ही है ये ना, ये कार्ड्स कैंसिल कर दी वो, अंधेरे में दिख नहीं गई है नीचे, बोले मैं कसीनो से लाऊंगी खरीद के, कुछ भी दिख रहा बेसिक वाले गांव में आ गए यार। पता है ऊपर ऊपर गए थे दोस्तों, पता है थोड़ा थोड़ा सा लगता है, मैं ऊपर गया भी एक बार, थोड़ा सा लगा मैंने कहा चक्कर क्यों आया मुझे, तो क्या हल्का सा हिलता है ना, हल्का सा ऊपर नीचे होता है, उसके चक्कर में ऐसा लगता है जैसे घूम रहा है सब, रूम में नहीं पता लग रहा, रूम में पता नहीं लग रहा कितना बड़ा शिप है यार। यहाँ पे पता है 350 रूम तो बेसिक है, 350 रूम बेसिक बेसिक है, और ये वाला विंडो वाला रूम ऐसे 89 या 69 रूम्स है। हाँ, और वो 35 लग्जरी वाले हैं ना, 35 एकदम लग्जरी वाले रूम्स है, जिसके अंदर बालकनी ही होती है व्यू वाली, तो अपना लग्जरी नहीं है वो, बुक हो गए थे, 6 लोग थे ना भाई तो यार गाइस, और गाइस एक भी रूम खाली नहीं, पूरी फुल लपालप फुल पैक। और गाइस मेको सिस्टम है के ना, आपको अगर किसी चीज के बुलाना चाहिए, बुलाना आएंगे ना मतलब वो, तो है ना वो अंदर ही घुस जाएगा, और वो बोले उठा के ले जाएगा हाथ कट गए, चलो चलो चलो। पता है क्या सीन बताता हूँ, अभी जब हम लोग दिन के अंदर है ना, हम लोग एक रूम में आ गए सारे के सारे, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ था कि पूरा का पूरा ट्रेनिंग बताते हैं कि कैसे आपको सेफ्टी के बारे में समझना है, क्या करना है, हमें आ रही भयंकर नींद, हम हंसते हंसते सारे एक रूम में आ गए कि बोले दोस्तों आवाज मत करना, और पता चला वो हर एक रूम से इस चीज के लिए तो स्पेशली उनके पास की होती है, आ जाओ मैंने कहा यार अंदर ही आ जाते हैं बोल के, चलो बाहर, इस चीज के लिए तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि, मैंने कहा भाई साहब अभी नहीं आ रहे हम लोग, तो बोले कि अभी तो 20 मिनट में फ्री हो जाओगे, बाद में 1 घंटे में फ्री हो गए, तो हम सारे के सारे भाग के गए। फिर वो समझाते हैं कि कैसे अगर बाई चांस कोई दुर्घटना होती है तो कैसे बच सकते हो, आपकी क्या क्या सेफ्टी के लिए हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है, यहाँ पे बोर्ड वोट सब कुछ रेडी रहती है पूरे टाइम। तो ये गाइस में अलार्म बजता है स्पीकर में बहुत तेज। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्रूज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो रूम्स को लेकर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। रूम्स किस लिए है कि आप पूरी रात पार्टी वार्टी करो और जाके फिर सो जाओ, तो या क्रूज कोई सा भी क्रूज होगा ना, उसके अंदर बहुत बड़े रूम और एकदम ऐसे कि होटलों जैसे 5 स्टार जैसे रूम नहीं मिलेंगे आपको कभी भी, इससे थोड़े से बड़े और हो सकते हैं, थोड़े से लग्जरी रूम्स हो सकते हैं, हल्का फुल्का किसी में चेंज मिल सकता है आपको, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्रूज का है, जो मैंने अभी नीचे उनसे बात करी, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक दो रूम्स अगर अपग्रेड करा सके, उन्होंने बोला पहले रात तो फुल है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये क्रूज का कॉन्सेप्ट रूम्स का है ही नहीं, बोले हम रूम्स किस लिए दे रहे हैं कि जाके आप सो जाओ अपने, बाकी पूरा क्रूज का मेन मोटिव होता है कि आप पूरे में एंजॉय करो, उधर पार्टी चल रही है, हर फ्लोर पे पार्टी चल रही है अलग अलग, हाँ थिएटर है नीचे, साइड में डांस चल रहा है, बच्चे अलग जगह नाच रहे हैं, ऊपर अलग ड्रिंक्स चल रही है, मतलब फुल ऑन नीचे कैसीनो चल रहा है, पूरा एंजॉय करने के लिए, कि बोले सुबह बाहर निकलो और बाहर ही घूमते रहो 8-9 फ्लोर पे ऊपर, और हर चीज में क्वालिटी मिलेगी आपको हर चीज में। हाँ मतलब बाहर मतलब थिएटर भी एकदम अच्छा कर रखा है उन्होंने, और अच्छे डांस वांस, अच्छे डांसर सब कुछ बुला रखे हैं, काफी डांस परफॉर्मेंस वगैरह भी हो रही है बढ़िया तरीके से। अरे वो गोल्डन कार्ड ही मिले रे यार, नॉर्मल कार्ड नहीं मिले तो हम उन्होंने लिए। नहीं यार, अरे यार ये इंडियन सिनेमा मैजिक स्टार्ट होने वाला है, डांस परफॉर्मेंस अब तो डांस पार्टी भी चलेंगे, डांस भी हमें करना पड़ेगा, वैसे कुछ कुछ तो है नया, चलो देखते हैं, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए और सारी खत्म हो गई होगी। इस 19 डॉलर कुछ सेंस होंगे। कितने का रिचार्ज कराया था? 24 डॉलर आया था, उसमें 2000 का रिचार्ज। गाइस यार कुछ नहीं, अब कोई नहीं, गोल्डन पत्तों से खेल लो। हां तो उनो के ऊपर इतना खेल जबरदस्ती यार, ऐसे बोर होगा तो खेल लेंगे, वैसे भी भाई यार कुछ और कर लेते हैं ना, उनो खेल लेंगे। पता नहीं कैसे इसको पता ही चल रहा है, आधी चीजें कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, नींद क्या पानी हिल रहा है, पता नहीं चल रहा है। अरे यार मैं जब तू सोया था ना, तो मुझे नींद ही नहीं आई, 2-3 घंटे मुझे नींद आ रही है भयंकर।
तो ये भी हो सकता है। अच्छा तो मोशन, कौन सा मोशन हो रहा है आपको? है मोशन भी तो हो रहा है आपको। हाँ स्लो मोशन स्लो मोशन कर रहा है भाई, लूज मोशन हो रहा है। दोस्तों डिनर टाइम और अभी डिनर में जितनी वेज में चीजें थी ना सारी हमने एक साथ टेबल पे लाके रख दिया। यम्मी। और मेरे गुलाब जामुन भी आज तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं लेट हो गए।